Hey guys, what's up? This is Cam and I am back with new video. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ how to match your photo with background. अपनी फोटो को बैकग्राउंड से मैच कैसे करें, मतलब आपने जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है और उस फोटो में दूसरा बैकग्राउंड कैसे डालें और उस बैकग्राउंड को अपनी फोटो से मैच कैसे करें, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. एंड इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू कट योर पिक्चर परफेक्ट, अपनी फ़ोटो को परफेक्ट कटिंग कैसे करें एंड बैकग्राउंड रिमूव कैसे करें. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो. एंड प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ. सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, टिप नंबर वन है एंगल, मतलब आपकी फ़ोटो का एंगल और बैकग्राउंड का एंगल दोनों मैच होना बहुत ही ज़रूरी है. मतलब आपने आपकी फ़ोटो के लिए जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है उसका एंगल आपकी फ़ोटो से मैच करना चाहिए. मतलब दोनों के एंगल मैच होंगे तभी वो बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो से मैच हो पाएगा. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपकी फ़ोटो का एंगल और बैकग्राउंड का एंगल दोनों मैच होना ज़रूरी है. ऐसा ना हो कि आपकी फ़ोटो का एंगल अलग है और बैकग्राउंड का एंगल अलग है, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो वो बिल्कुल मैच नहीं होगा. सो आपको इस बात का ध्यान रखना है. सो गाइस, टिप नंबर टू है वो है लाइटिंग. हाँ, मतलब आपकी फ़ोटो की लाइटिंग और आपने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है उसकी लाइटिंग दोनों मैच होनी चाहिए. मतलब आपने अगर फ़ोटो आउटडोर शूट की है, सनलाइट में शूट की है, तो बैकग्राउंड भी कुछ ही उसी टाइप का होना चाहिए. तो आउटडोर टाइप बैकग्राउंड आउटडोर वाला होना चाहिए और जिसमें सनलाइट आ रही हो और नेचुरल बैकग्राउंड लगे, ऐसा कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए. मतलब आपको एक परफेक्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है आपकी फ़ोटो से जो आपकी फ़ोटो में मैच कर सके. इसलिए आपकी फ़ोटो की लाइटिंग और बैकग्राउंड की लाइटिंग दोनों मैच होना बहुत ही ज़रूरी. नंबर थ्री है कलर, मतलब आपकी फ़ोटो का कलर और बैकग्राउंड का कलर वो भी मैच होना चाहिए. मतलब आपकी जो फ़ोटो है उसका जो कोई भी कलर, आपकी स्किन का कलर या फिर आपकी ड्रेस का कलर, वो बैकग्राउंड से मिलना चाहिए. मतलब थोड़ा बहुत भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा मिलना ज़रूरी, थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा तो बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो से बिल्कुल मैच हो जाएगा. सो इस बात का ध्यान रखना, आप कलर का भी आपको ध्यान रखना है, बैकग्राउंड का कलर और आपकी फ़ोटो का कलर दोनों सिमिलर होना चाहिए. मतलब बैकग्राउंड जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो ज़्यादा ओवर कलर ना हो, उसमें ज़्यादा कलर ना हो, और आपकी फ़ोटो में ऐसा ना हो कि आपकी फ़ोटो में कम कलर है और बैकग्राउंड में कलर ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो बिकॉज इसी वजह से वो बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो से मैच करेगा ही नहीं. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर आपकी फ़ोटो में कम कलर है, मतलब आपने कम कलर वाले क्लॉथ पहने, ऐसे ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने, वाइट कलर का क्लॉथ पहना है, तो बैकग्राउंड भी कुछ इस टाइप का होना चाहिए. डार्क टाइप का बैकग्राउंड हो, वाइट टाइप का बैकग्राउंड हो, या फिर कोई कम कलर वाला बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कलर का ध्यान रखना है आपको, आपकी फ़ोटो का कलर और बैकग्राउंड का कलर दोनों मैच होना चाहिए. थोड़ा बहुत भी मैच होगा तो चलेगा. सो गाइस, अब मैं आपको कुछ पिक्स बताने वाला हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड मैच कैसे करते हैं, और आपको लाइटिंग का भी समझ में आ जाएगा, कलर का भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ मैं आपको इस फोटो से समझ में आ जाएगा. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कैमरा एंगल के बारे में बताता हूँ. इस फोटो में जो आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्या होता है, आपका जो कैमरा है वो ऊपर की तरफ होता है और आपका जो पोजिशन है वो इस टाइप का होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है, उसे हाई एंगल कहते हैं. और सेकंड का ऑप्शन है स्ट्रेट एंगल, मतलब आपका जो कैमरा है वो फ्रंट एंगल में होता है, बिल्कुल बीच में होता है और आपका पोजीशन बिल्कुल सीधा होता है. और जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है इसे है लो एंगल, इसमें क्या होता है आपका जो पोजीशन है वो बिल्कुल सीधा रहता है, बट जो कैमरे का पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, आपका कैमरा नीचे की साइड होता है और आपकी जो बॉडी है ऊपर की साइड होती है. और वैसे तो कैमरा एंगल बहुत सारे होते हैं,
पर मैं यहाँ आपको मेन कैमरा एंगल के बारे में बता रहा हूँ। और अगर आपको और भी कैमरा एंगल के बारे में जानना हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो फोटोग्राफी कैमरा एंगल, गूगल में आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटो एडिटिंग में कैमरा एंगल जरूरी क्यों होता है। सो गाइज, आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड में आपको अलग अलग एंगल की फ़ोटो लगाकर दिखाऊंगा। इससे होगा क्या कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फोटो में कौन से एंगल की फ़ोटो मैच कर रही है और ये जो बैकग्राउंड है कौन से एंगल का है। पहले मैं आपको हाई एंगल की फ़ोटो लगाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोटो है हाई एंगल की है और इस बैकग्राउंड से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, बिकॉज ये बैकग्राउंड किसी और एंगल का है और ये फोटो है हाई एंगल की है, तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपको दूसरी एंगल की फोटो लगा कर दिखाता हूँ। अब इससे वाली है स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली फोटो भी प्रॉपर मैच नहीं हो रही है, बिकॉज बैकग्राउंड कोई और एंगल का है, मेरी फोटो स्ट्रेट एंगल की है, सो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। अब मैं आपको लो एंगल की फोटो लगा के दिखाता हूँ। ये हमारी लो एंगल की फोटो ये रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली फोटो इस बैकग्राउंड से मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है, बिकॉज जो बैकग्राउंड है वो लो एंगल का और मेरी फोटो भी लो एंगल की है। सो आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटो बिल्कुल मैच कर रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड मैच कैसे करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लाइटिंग का दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड में लाइटिंग दिख रही है और इस साइड में भी यहाँ पर आपको जो लाइटिंग दिख रही है वो लाइटिंग का आपके बॉडी पर आनी चाहिए, मतलब वो लाइटिंग आपके बॉडी से मैच करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी पर लाइटिंग नहीं है तो आप लाइटिंग ऐड कर सकते हो, लाइटिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वैसे तो आपको लाइटिंग ऐड करने के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो लाइटिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लाइटिंग ऐड की है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो लाइटिंग ऐड करने के बाद ये फोटो और मैच हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो यहाँ से जैकेट के ऊपर आ रही है, ये लाइटिंग जैकेट के ऊपर आ रही है और इधर से भी आप देख सकते हो इस साइड से भी ये लाइटिंग जैकेट के ऊपर आ रही है, इस वजह से बैकग्राउंड मैच हो रहा है। अगर आपके बैकग्राउंड में लाइटिंग नहीं है तो आपको लाइटिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बैकग्राउंड में लाइटिंग है तो आपको यहाँ से ऐसे लाइट ऐड करनी है और इससे लाइटिंग ऐड करने के बाद ये फोटो और अच्छे से मैच हो जाएगी और कलर करेक्शन करने के बाद भी बिल्कुल मैच हो जाएगी। सो एडिटिंग के बाद में और अच्छे से मैच हो जाएगी फोटो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड जो है कैसे मैच करते हैं। लाइटिंग अभी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट एंगल का और ये बैकग्राउंड है इस फोटो से मैच कर रहा है, सो बैकग्राउंड ऐसे मैच करते हैं। सो गाइस, आपको कैमरा एंगल और लाइटिंग के बारे में समझ में आया होगा। अब मैं आपको कलर मैच के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रही है इस फोटो में आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन का जो कलर है वो बैकग्राउंड के कलर से मैच हो रहा है, इस वजह से आप देख सकते हो ये फोटो बैकग्राउंड से कितने अच्छे तरीके से मैच हो रही है और कितनी शानदार लग रही है फोटो। सो इस वजह से जो है बैकग्राउंड मैच होता है, बहुत ही अच्छे से मैच होता है। सो आपको ध्यान रखना है आपका जो कलर है वो बैकग्राउंड से मैच करना चाहिए, आपकी स्किन का कलर हो चाहे आपके क्लोथ्स का यानी कपड़ों का कलर हो, थोड़ा बहुत भी मैच करना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत मैच होगा चलेगा। अब मैं आपको दूसरी फोटो दिखाता हूँ। सो गाइज, अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाली फोटो में जो मैंने क्लोथ्स पहने हैं वो बैकग्राउंड के कलर से मैच कर रहे हैं, यानी जो मैंने क्लोथ्स यानी जो मैंने कपड़े पहने हैं वो बैकग्राउंड के कलर से मैच कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी ब्लैक है और मेरे क्लोथ्स भी ब्लैक है, इस वजह से ये फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से मैच हो रही है और बहुत ही ऑसम लग रही है। इसलिए आपको कलर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बैकग्राउंड मैच करने के लिए। अगर आपका कलर थोड़ा सा मैच होगा वो चलेगा। कलर मैच होने की वजह से क्या होता है, फोटो में अलग ही एक रियलिटी देखने को मिलती है और ऑसम लगती हैं और थोड़ी बहुत रियल भी लगती हैं, इस वजह से आपको कलर मैच का भी ध्यान रखना है। वैसे तो कलर मैच आप एडिटिंग करके भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी जैकेट का कलर रेड कलर का है और बैकग्राउंड जो है ब्लैक कलर का है तो आप उस जैकेट के कलर को ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर और भी वाइट कलर में कर सकते हो, और भी कलर में कर सकते हो। सो एडिटिंग के बाद में वो जो फोटो है और अच्छे से मैच हो जाती है। आपको ये जो 3 टिप्स बताएं उसको आपको फॉलो करना है,
इसके बाद में आप देखो आपकी फोटो आपकी बैकग्राउंड से कैसे मैच करती हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जिसको भी एडिटिंग में इंटरेस्ट है वो तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।